नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बात करने वाले काफ़ी सारी कमाल कमाल की टेक न्यूज़ के बारे में, मतलब काफ़ी सारी जो टेक अपडेट निकल के आई हैं उन्हीं की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक साथ। तो वीडियो को जो पूरा देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके सामने मिलता है बेल आइकन, दबाने से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एयरटेल की तरफ से। मतलब एयरटेल ने जो पहले जो 1300 कुछ रुपए का मोबाइल निकाला था, उसके साथ जो एक और यहाँ पर दूसरा मोबाइल निकाल दिया, उसकी कीमत यहाँ पर 1349 रुपए यहाँ पर रख दी गई है, जो कि 4G BLT मोबाइल है। और टच स्क्रीन का मतलब ये मोबाइल यहाँ पर होने वाला है। तो टच स्क्रीन के साथ आपको 1349 रुपए में जो है 4G BLT का मोबाइल यहाँ पर मिल रहा है। तो एयरटेल भी जो है जियो को टक्कर देने में मतलब पीछे नहीं हट रहा, लगातार जो है जियो को टक्कर दिए हुए है। कुछ दिन में जो है आपके हाथ में मोबाइल आने वाला है, नॉर्मल सा मोबाइल है, आगे पीछे भी कैमरा आपको मिल जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर टच स्क्रीन के साथ एक डिस्प्ले मिल जाता है, बैटरी भी जो है काफ़ी ठीक ठाक इसकी है। मतलब कुल मिलाकर 1300-1400 रुपए का मोबाइल मतलब ये है, लेकिन इसकी असल कीमत यहाँ पर लगभग 3500 रुपये बताई जा रहा है। लेकिन एयरटेल के द्वारा अगर आप लेते हैं एयरटेल की सिम के साथ, तो आपको मिलता है सिर्फ ये 1350 रुपये में। तो काफ़ी ठीक है, अगर इतने रुपये में कुछ मोबाइल निकल के आता है 4G BLT के साथ, तो काफ़ी जो है बजट फोन में मोबाइल लेने वाले मेरे भाई जो हैं वो इस मोबाइल को ले सकते हैं 4G BLT चलाने के लिए। और ये जो मोबाइल है ये एंड्रॉयड मोबाइल है, इसके अंदर आप जो है गूगल प्ले स्टोर का यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह जो सब कुछ इसमें चला सकते हैं, तो काफ़ी ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है नोकिया 2 की तरफ से। तो नोकिया 2 जो है एक वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किया गया है, तो काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन उसकी निकल के आई हैं, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। तो इसका जो मॉडल है वो 1035 यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब पीछे की तरफ जो नोकिया का एक स्पेशल मॉडल आता है वो यहाँ पर 1035 है। इसके अंदर 5 इंच की जो है यहाँ पर HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि 720 पिक्सल को यहाँ पर सपोर्ट करती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो 212 प्रोसेसर है वो आपको इसमें मिलने वाला है, और इसकी क्लॉक स्पीड जो है वो 1.3 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पर बताई जा रही है, मतलब ठीक ठाक क्लॉक स्पीड आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड्रॉयड 304 GPU इसके अंदर दिया गया, और 1 GB की आपको इसमें रैम मिल जाती है। इनबिल्ट स्टोरेज यहाँ पर 8 GB का बताया गया है, और एंड्रॉयड जो 7.0 नुगट वर्जन है उसके ऊपर ये रन करने वाला है। 5 MP का इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है, और 8 MP का जो इसमें रियर कैमरा दिया गया है। 8800 रुपये इसकी प्राइस बताई गई है। बैटरी की जो कैपेसिटी है वो अभी तक निकल के नहीं आए। तो इतना सा था इस ये नोकिया 2 मोबाइल। तो आपको अगर पसंद आए तो देख लेना, नोकिया के मोबाइल जो है फिर भी ठीक ठाक यहाँ पर होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ से। मतलब एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर बना दिया जा कि वाइब्रेशन के ऊपर मतलब काम करता है। तो यहाँ पर आप जो है जैसा कि आप अपने मोबाइल के अंदर एक फिंगरप्रिंट लगाकर जो है खोल लेते हैं आप अपने मोबाइल को, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर काफ़ी सारी सिक्योरिटी के साथ ये मतलब डिवाइस यहाँ पर लॉन्च कर दिया। तो आप इसे जो है अपने घर में लगा सकते हैं, अपार्टमेंट में लगा सकते हैं, अगर आपके पास है कोई बड़ी सी इमारत तो अलग अलग कंडीशन में वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी कार के साथ, काफ़ी सारे और भी जो हैवी मतलब कनेक्टिविटी के लिए कोई सिस्टम आपके पास है तो उसमें जो है आप इसको मतलब कनेक्ट करके जो है आप वाइब्रेशन मतलब जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो आपके वाइब्रेशन से ही जो है खुल जाएगा, उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर सेम टू सेम जो है सिमिलर सिस्टम आप इसे बोल सकते हैं। जैसा कि फिंगरप्रिंट के ऊपर हम फिंगर रखते हैं तो वो अनलॉक हो जाता है, इसी प्रकार से अगर कुछ भी हम छूते हैं इसके द्वारा तो वो अनलॉक हो जाता है। इस प्रकार का जो है सिस्टम यहाँ पर बनाया गया ताकि ज़्यादा जो है प्रेस से ना करने पड़े किसी चीज़ को, उसी हिसाब से जो है ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है ओला की तरफ से। मतलब ओला कैब का नाम सुना होगा, ओला में ऑटो वगैरह भी काफ़ी सारे कनेक्टेड हैं ओला के साथ, तो वो काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वाईफाई कनेक्टिविटी की जो है यहाँ पर सुविधा देने जा रहा है ओला। अब ऑटो के अंदर भी आपको मिल जाएगा वाईफाई। तो 2014 के बाद जब से ऑटो कनेक्ट हुए होना शुरू हुए ओला के साथ, तब से लेकर अब तक जो 1,20,000 से भी ज़्यादा ओला कैब के अंदर ऑटो रजिस्टर हो चुके हैं। उसमें जो है 200 TB से ज़्यादा अधिक जो डेटा मंथली ये यूज़ करने वाला है। तो इतने सारे जो ऑटो हैं उनमें इतना सारा जो है नॉर्मल है। तो यहाँ पर 20 MB डेटा जो है काफ़ी मतलब एक पैसेंजर आराम से यहाँ पर यूज़ कर सकता है जब तक इधर से उधर ऑटो में चला जाता है। तो एक ग्राहक के लगभग इतना ही यूज़ करता है 20 MB डेटा। तो आप भी नॉर्मली सोच सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के वक्त आप इतना यूज़ कर सकते हैं, बाकी प्लस कितना हो सकता है एक कन्फर्म अभी नहीं है, लेकिन ठीक है इतना भी मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है। ओला ऑटो के अंदर भी आपको वाईफाई कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है मोटो E4 प्लस की तरफ से, जो कि ब्लास्ट हो गया है एक पर्सन की मतलब पॉकेट के अंदर। तो काफ़ी मतलब दुविधा वाली बात है कि आजकल जो मोबाइल है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फटने लगे हैं। तो आपकी भी मैं जो है ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आपके पास भी कोई मोबाइल फटा है। काफ़ी सारे जो मेरे दर्शक हैं उन्हें से कमेंट करके मुझे बताएं। तो ये मोबाइल जो है फट गया है, तो इस मोबाइल के अंदर लगभग 5000 mAh की बैटरी थी। अगर 5000 mAh की बैटरी फटती है तो देख लो क्या होता है, लगभग एक छोटे बॉम्ब जितना जो है इसके साथ यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। तो काफ़ी सारी इसमें और भी तस्वीरें हैं, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखाना चाहूँगा। वेबसाइट के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। तो काफ़ी जो है उससे पॉकेट वाले इंसान का यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है पॉकेट के आसपास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इसके द्वारा। तो
काफ़ी मतलब कंपनीज जो है थोड़ा सा इनको मतलब देखना चाहिए, बैटरी जो है ब्लास्ट हो रही है लगातार, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन जो है बैटरी का भी निकालना चाहिए। अभी तक जो है बैटरी में कोई भी अपडेट नहीं आया है। कल मतलब मेट्रो स्टेशन के ऊपर फट गया था, अभी जेब में फट गया है, तो ये भी जो है इंडिया के अंदर हुआ, वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर मतलब ये घटना हुई है। तो काफ़ी थोड़ी सी बैड न्यूज़ तो है, लेकिन फिर भी जो है आपको थोड़ा सावधान यहाँ पर रहना चाहिए मोबाइल को लेकर। तो मोबाइल को सबसे पहले तो आप धूप में बजाएं, और ज़्यादा जानकारी के लिए मतलब मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जो बनाया था मैंने बैटरी ब्लास्ट के ऊपर स्पेशल, उसमें कारण भी बताए थे मैंने और ब्लास्ट होने के जो हैं काफ़ी सारे इसमें कारण आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको उपाय भी बताए गए हैं। दोस्तों अब अगली अपडेट आ रही है फेसबुक की तरफ से। तो फेसबुक जो है पार्टनरशिप यहाँ पर कर रही है काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ जो कि कार सेल करती हैं, मतलब काफ़ी सारी वेबसाइट है जो कि सेकेंड हैंड कार का बिजनेस करती है, उनके साथ जो है फेसबुक यहाँ पर मतलब बिजनेस कर रहा है, और उनको जो है या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि उनके एड्स वगैरह जो है फेसबुक में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। बीच बीच में काफ़ी सारी डीलरशिप की यहाँ पर बात होंगी सेकेंड हैंड कार्स को लेकर। काफ़ी सारे जो लोग हैं कार सेल करते हैं फिर खरीदते भी हैं, तो फेसबुक के द्वारा जो है काफ़ी ये सुविधा जो मिल जाएगी, और फेसबुक जो है इसको बूस्ट करने वाला है इस सिस्टम को। काफ़ी सारे जो लोग हैं इससे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद जो अपनी कार बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, नई कार देख सकते हैं, और काफ़ी सारे कमेंट्स का भी वहाँ पर जो है मतलब देख सकते हैं किस प्रकार की ये कार है। तो काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग जो है ओपिनियंस आपको नीचे मिल जाती हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है अगर ऐसी कुछ मतलब अपडेट फेसबुक के अंदर निकल के आती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है एक चाइनीज़ कंपनी की तरफ से जो कि एक चिता मोबाइल के नाम से मतलब कंपनी है, और इसने जो है एक ऐप लॉन्च कर दिया चिता मोबाइल के नाम से यहाँ पर। तो ऐप के अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज किया गया है, तो काफ़ी मतलब पहले से भी जो है इसकी कई एप्लीकेशन आपको मतलब प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाती है, जैसे सीएम लेंसर है, क्लीन मास्टर है, सिक्योरिटी मास्टर है, उसी के साथ सीएम लॉकर है, और चिता कीबोर्ड भी है जो कि काफ़ी मतलब पॉपुलर हो रहे हैं प्ले स्टोर के ऊपर। उसी के साथ जो है एआई वाला भी सिस्टम यहाँ पर निकल के आया है, तो काफ़ी ठीक है अगर कुछ अपने आप जो है ऑर्डर्स के बिना भी कुछ यहाँ पर काम हो जाए तो। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है गूगल तेज की तरफ से। तो गूगल तेज के अंदर जो है 7.5 मिलियन मतलब कस्टमर जो है या फिर यूजर्स से बोल सकते हो वो कनेक्ट हो सके हैं इसके साथ, तो काफ़ी अच्छी बात है इतने सारे यूजर जो है कम टाइम के अंदर ही गूगल तेज ऐप ने जो है कनेक्ट कर लिए हैं, और उसी के साथ जो अभी तक जब से गूगल प्ले मतलब लॉन्च हुआ है उसे लेकर अभी तक जो है 30 मिलियन ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, मतलब 30 मिलियन रुपए का यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो काफ़ी बढ़िया है अगर कुछ मतलब ऐसा निकल के आता है तो काफ़ी मतलब सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन फ्यूचर के अंदर जो ये पेमेंट ऐप हैं काफ़ी बड़ी समस्या यहाँ पर बनने वाली हैं, उसके लिए भी जो है मैंने एक वीडियो बनाया था, तो पीछे मतलब लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं वो वीडियो भी। तो यहाँ पर ये सब जो है सुंदर पिचाई ने बताया है जो कि गूगल के CEO हैं। तो 7.5 मिलियन कनेक्टेड हैं और 30 मिलियन का ट्रांजैक्शन अभी तक हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है नोकिया 9 EDG की तरफ से। तो काफ़ी कुछ मतलब इसका रोज़ रोज़ निकल के आता है, कभी रूमर्स आते हैं, अब कुछ यहाँ पर निकल के आए। पीछे तरफ आपको मिलते हैं दो कैमरा और उसी के साथ मिलती है एक फ्लैश लाइट, लेकिन फ्लैश लाइट के साथ यहाँ पर एक प्रोजेक्टर भी आपको मिलता है। तो नोकिया 9 जो है प्रोजेक्ट करने वाला है, उसके अंदर चलने वाली हर एक चीज़ को मतलब डिस्प्ले पे जो भी दिखेगा उसको जो है पीछे की तरफ से प्रोजेक्ट कर देगा, उसी कैमरा के पीछे की तरफ जो कैमरा की लाइन है उसी में जो है यहाँ पर प्रोजेक्टर लगाया गया है। अभी तक जो है इसका कोई खुलासा यहाँ पर नहीं किया गया, तो काफ़ी अच्छी बात है ऐसा प्रोजेक्टर मोबाइल जो निकल के आता है नोकिया की तरफ से। नोकिया के ऊपर काफ़ी सारे लोगों का जो अभी भी विश्वास बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। तो क्वालकॉम जो स्नैपड्रैगन कंपनी है जो कि बनाती है CPU, तो 845 प्रोसेसर जो है दिसंबर के अंदर लॉन्च करने की बात हो रही है, उसी के साथ जो है काफ़ी सारे मोबाइल भी लॉन्च होने वाले, मतलब काफ़ी सारे जो मोबाइल्स कंपनी है वो वेट कर रही है इस प्रोसेसर का, तो जल्दी जो है निकल के आने वाला है। अब दिसंबर का नाम लिया यहाँ पर क्वालकॉम ने, तो निकल के आने के बाद पता चलेगा। और 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बताया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले जो रूमर्स आए थे उनमें 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बताया गया था, क्या मतलब निकल के आने वाला है अभी तो कुछ से रूमर्स ये चल रहे हैं, अब दिसंबर में निकल के आया तब पता चलेगा। तो इसके अंदर जो है ARM Cortex A75 कोर्स यहाँ पर चलने वाले हैं, और उसी के साथ जो 4 कोर्स यहाँ पर चलेंगे ARM Cortex A53 के, तो काफ़ी ठीक है, मतलब काफ़ी हाई स्पीड जो प्रोसेसर ये बनने वाला है। और एंड्रेनो 530 GPU का जो है ये मतलब प्रयोग करने वाला, मतलब यूज़ करेगा यहाँ पर ग्राफिकल परफॉर्मेंस के लिए, तो काफ़ी अच्छी जो है ग्राफिक क्वालिटी आपको मिलने वाली है, मतलब डिस्प्ले के पिक्सल जो है फुल HD प्लस यहाँ पर आपको मिलेंगे इस प्रोसेसर के साथ। X20 कनेक्टिविटी इसमें मॉडेम दिया गया है जो कि 1.2 GBPS की स्पीड पर जो है डेटा को ट्रेवल यहाँ पर करवाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है अगर इतनी हाई स्पीड जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। मैं तो ये सोचता हूँ कि इससे भी ज़्यादा जो है एडवांस है, आज ही का जो टाइम चल रहा है वो फ्यूचर से मतलब पहले ही एडवांस यहाँ पर हो जाए, तो फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी होगी, काफ़ी अच्छी अच्छी खबर के बारे में आपको पता यहाँ पर चला होगा। दोस्तों काफ़ी सारी न्यूज़ और भी हैं, न्यूज़ की जो है यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादा न्यूज़ बनाने से वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ स्पेशल न्यूज़ मैं यहाँ पर लेके आता हूँ आपके लिए रोज़।
तो आशा करता हूँ काफ़ी कुछ मतलब आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, दबा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके सामने बेल आइकन है दबाना न भूले। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक यहाँ पर कर दें, लाइक जरूर कर दें वीडियो को, क्योंकि रोज़ रोज़ आप पे काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं व्यू तो यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन लाइक्स नहीं आते, तो अब जो है लाइक्स पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, काफ़ी अच्छा मतलब मुझे भी लगेगा, काफ़ी अच्छे वीडियो भी रोज़ रोज़ आप देखते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।